हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है अबाउट एलिसाइक्लिक और एसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दो तरह के कंपाउंड्स दिख रहे हैं। ठीक, एक कैसा है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। स्ट्रेट चेन है मतलब सीधा है, चेन की तरह है। और दूसरा कंपाउंड किस तरीके का है, यहाँ पर सर्कुलर है। ठीक है, क्लोज चेन कंपाउंड बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसमें, इसमें ये हो रहा है कि सबसे पहले तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं, देख लेते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, मेन उसी से बने होते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो ओपन चेन या क्लोज चेन हो सकते हैं। तो इस वाले को हमने क्या बोल दिया, ओपन चेन कंपाउंड बोल दिया। इस वाले को हमने क्लोज चेन कंपाउंड बोल दिया। ठीक है, ए साइक्लिक मीन्स जो साइक्लिक फॉर्म में नहीं है, जो साइक्लिक फॉर्म में नहीं है मतलब जो पूरी तरह से बंद नहीं है। तो ये वाला बंद नहीं है तो ये क्या हो गया, ए साइक्लिक कंपाउंड हो गया। और ये वाले क्या हो गए, एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो गए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब एलिफैटिक और एलिसाइक्लिक के बीच में भी डिफरेंस ये होता है, इनको एलिफैटिक बोलते हैं, इनको एलिसाइक्लिक बोलते हैं। तो ये क्लियर सा डिस्क्रिप्शन था इन दोनों के बीच का डिफरेंस का। इनमें क्या है, हैविंग अ स्ट्रेट लाइन और ब्रांच ओपन चेन। स्ट्रेट लाइन चेन होगी या तो ब्रांच चेन होगी पर बंद नहीं होगी। और साइक्लिक कंपाउंड्स रिजेंबलिंग एलिफैटिक ग्रुप। अब ये वाले कौन से हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स हैं पर किसको रिजेंबल कर रहे हैं, एलिफैटिक ग्रुप को ही रिजेंबल कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि बेंजीन इनके अंदर आएगा, बेंजीन इनके अंदर नहीं आएगा। किनके अंदर आएगा, बेंजीन अलग से एक उसमें आएगा। इनके अंदर कौन से आएंगे, जो नॉर्मल प्रोपेन ब्यूटेन उसके बाद के भी जितने भी आते हैं, ठीक है, उस तरीके के कंपाउंड्स जो होंगे उनमें आएगा। जो एल्केन्स को रिजेंबल करेंगे वो क्या होंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे। थैंक यू।